उत्तराखंड में अगले मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए रस्साकशी जारी। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत बन सकते हैं प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। इससे पहले कल मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दे दिया था इस्तीफा। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की बिजली की दरें घटाने की प्रतिबद्धता के बावजूद दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली की दरें शुक्रवार को 8% तक बढ़ाई। राज्य सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाने के नियामक के निर्णय को गलत बताया। डीजल आज रात मध्य रात्रि से 50 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कल यह निर्णय लिया। पिछले साल 17 जनवरी को लिए गए एक सरकारी निर्णय के तहत डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की मासिक बढ़ोतरी के तहत ये वृद्धि की गई। दिल्ली NCR में मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए। टोंड दूध के दाम अब 34 से 36 रुपए और फुल क्रीम दूध के दाम 44 से बढ़कर 46 रुपए हुए। नई दरें मध्यरात्रि से लागू हो गई हैं। कांग्रेस के दो महासचिवों ने अपने संसदीय क्षेत्रों में उम्मीदवारों का चयन प्राइमरी सिस्टम से करने की पेशकश की है। दिल्ली से सांसद अजय माकन तथा मुंबई से सांसद गुरुदास कामत ने अपनी सीटों पर प्राइमरी सिस्टम के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की पेशकश की। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की कमान जल्द ही एक भारतीय मूल के व्यक्ति के पास आने की संभावना है। कंपनी सूत्रों के अनुसार भारतीय मूल के सत्या नाडेल को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाना लगभग तय है। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ के लिए कानूनी रूप से मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रद्रोह मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और 7 फरवरी को उनकी उपस्थिति का आदेश दिया। सीरिया संकट के समाधान के लिए जिनेवा में आयोजित शांति वार्ता सीरियाई सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों के साथ बिना किसी ठोस समझौते के हुई खत्म। सीरिया के विदेश मंत्री वालिद मुअल्लम ने वार्ता में विपक्ष की भूमिका को गैर जिम्मेदाराना बताया। विश्व शक्तियां ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर 18 जनवरी को वियना में अगले दौर की बातचीत करेंगी। इसे लेकर शीर्ष ईरानी एवं यूरोपीय संघ के राजनयिकों के बीच सहमति बन गई है।